अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, अगर आपके बालों की लेंथ रुक गई है, आप चाहते हैं कि आपके बाल तेज़ी से लंबे, घने, स्मूथ, सिल्की हो जाएं, तो आपने सबसे पहले अपना शैम्पू तब्दील करना है। जी हाँ, सबसे पहले आपने अपना शैम्पू तब्दील करना है, क्योंकि जब कोई शैम्पू आपके बालों पर सूट नहीं करता, तब आपके बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है, आपके बाल कमज़ोर भी हो जाते हैं, आपके बाल दो मुँहें भी हो जाते हैं, और आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं तेज़ी से। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है, जो भी आप शैम्पू ब्रांड है, लोकल है, जो भी है, इस्तेमाल करना बंद कर दें। अब अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि मेरी नज़र में अच्छा शैम्पू कौन सा है, तो पर्सनली जो मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ वो है वाटिका ओलिव शैम्पू। वाटिका ओलिव शैम्पू जो है हर किस्म के बालों पर सूट करता है। एक तो ये बहुत सस्ता भी है, दूसरा ये पाकिस्तानी ब्रांड है, तीसरा ये इस शैम्पू से बाल तेज़ी से लंबे भी होते हैं, कोई इस शैम्पू के इस्तेमाल से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो ये हर किस्म के बालों पर सूट करता है। इसके अलावा जो है हफ्ते में दो बार आपने दो रेमेडीज़ का इस्तेमाल करना है। पहली रेमेडी ये है कि आपने सिका का ही और मोटे वाले आमले लेने हैं, इनको आपने 12 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रखना है। मतलब सिका का ही और आमले बराबर बराबर आपने क्वांटिटी में लेने हैं, इनको आपने हाफ गिलास एक गिलास पानी के अंदर डिप करके रख देना है 12 घंटे के लिए। सुबह इनको अच्छे से हाथों से मसल के जो इनका कचरा होगा आपने फेंक देना है, जो इसका पानी होगा रस वगैरह आपने अपने बालों की जड़ों में और बालों के ऊपर लगाना है, तकरीबन एक घंटे के लगाना है। उसके बाद वाटिका ओलिव शैम्पू से वॉश कर लेना है, इससे आपके बालों की लेंथ तेज़ी से लंबी होगी और आपके बाल बहुत ही खूबसूरत होंगे। दूसरा आपने जो है हफ्ते में दूसरी रेमेडी ये है कि आपने इस्तेमाल करना है अंडा, दही, इसके साथ आपने कड़वा तेल, इसके साथ आपने ऐड करना है आंवला तेल। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर फिर आपने डालना है इतना सा प्याज, इतनी सी अदरक, दो तीन जवे आपने लहसुन के डालने हैं। जूसर मशीन में अच्छे से इनको ग्राइंड करके छन्नी की मदद से छान के आपने इसको भी अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करना है आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए। उसके बाद वाटिका शैम्पू से आपने इसको वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह एक महीने के अंदर अंदर आपके बाल तेज़ी से लंबे भी हो जाएंगे और आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। सो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसके साथ ही नीचे लाल रंग का बटन होगा इसको प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकॉन का ऑप्शन होगा उसको भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि अगली वीडियो हम जब भी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।